पांच साल पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा। गोल्फ खेल रहा था और खेलते खेलते वहीं गिर पड़ा। वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन मोड़ था, क्योंकि 13 घंटे के ऑपरेशन और 3 बाईपास के बाद, मतलब मैंने वो पाया जो मुझे 40 साल की फौज की नौकरी में नहीं मिला, वो है दृष्टिकोण। ये दुनिया एवेंजर्स का एहसान कभी नहीं चुका पाएगी। तुम सब हमारे लिए लड़े, हमारी हिफाजत की, अपनी जान पर खेलकर बहुत से लोगों के लिए तुम अब भी हीरो ही हो, मगर कुछ के लिए तुम हीरो कम बागी ज्यादा हो। और आपके लिए हम सब क्या हैं मिस्टर सेक्रेटरी? शायद खतरा कह सकते हैं। क्या कहा जाए उन खास शक्तियों वाले अमरीकी नागरिकों को जो पराए मुल्कों में घुसकर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करके सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और परिणाम की रत्ती भर परवाह नहीं करते। न्यूयॉर्क। वॉशिंगटन डीसी। सोकोविया। लेगोस। बस बहुत हो गया। पिछले 4 सालों में तुमने अपनी असीम शक्तियों का बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल किया। दुनिया भर की सरकारें अब ये और बर्दाश्त नहीं करेंगी, पर मैंने एक हल निकाला है। सोकोविया समझौता। 117 देशों ने इसे मंजूर किया है। इसमें लिखा है कि अब से एवेंजर्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, बल्कि वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत रहकर उसकी देखरेख में ही सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही काम करेगा, वो भी उनके मुताबिक। एवेंजर्स को दुनिया की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और हमने वही किया है। कैप्टन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि थॉर और बैनर इस वक्त कहां होंगे? अगर मेरे हाथों से 30 मेगाटन के 2 परमाणु हथियार इधर उधर हो जाएं, तो सोचो क्या होगा। समझौता, दिलासा, दुनिया इसी पे चलती है। यकीन करो, अब यही एक रास्ता है। तो अब वो होगा जो सोचा नहीं। 3 दिन बाद वियना में संयुक्त राष्ट्र की सभा है समझौते को फाइनल करने के लिए। सोच लो। और अगर हमारा फैसला आपको पसंद ना हो तो रिटायर हो जाओ।